कांग्रेस में घर घर चलो अभियान का खेला हो रहा है। हजारों की संख्या में कांग्रेस के घर में प्रवेश किया है। ये कांग्रेस का घर हमारे महात्मा गांधी जी का घर है। ये कांग्रेस का घर। ये कैसा अभियान, किसके घर जाना है और क्यों जाना है? कहीं इसका संदेश ये तो नहीं कि कांग्रेसियों घर चलो, पार्टी में कुछ नहीं रखा? मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा के कांग्रेस विधायक ग्यारसी लाल रावत घर घर चलो अभियान के चलते विधानसभा क्षेत्र के झोपाली पहुंचे। देखिए यहां माननीय के साथ क्या होता है। हमने जान हथेली पर रख रखी है, यहां जांच करवाई चाचू लोगों की। चार या पांच साल हो गए, कोई आया नहीं, कोई नेता नहीं आया, कोई विधायक नहीं आया, कोई नहीं आया। आना फिर हमारे से वोट मांगने, फिर बताएंगे उस दिन। वो जमाना गया है कि बाप दादा देते आए थे, आना बताएंगे। और मैं नहीं, पूरा पारी बताएंगे तुम्हारे से। इस बार कांग्रेस से किसी भी व्यक्ति का स्वागत नहीं है, बिल्कुल गाँव में नहीं होगा। आप लोगों ने करा क्या है हमारे गाँव के लिए? चार साल हो गए, क्या करे? कांग्रेस को वोट देते, कांग्रेस ही आते ही नहीं है। अब हमारे बच्चे भी सब समझदार हो गए, बड़े भी हो गए, पढ़े लिखे भी हो गए, और उनका क्या कहना पड़ रहा है वो सुन लो। क्या कहना पड़ता सुरेश, गांव में नहीं घुसने देंगे, नहीं घुसने देंगे हम। ये तो पता है, बाहर नहीं होना। अभियान की शुरुआत के साथ ही कांग्रेसियों के बीच गुटों के जो संघर्ष सामने आए हैं वो कांग्रेस के वर्तमान हालातों को समझने के लिए काफी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की खरी खोटी बड़े नेताओं की आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। कांग्रेस के कप्तान कमलनाथ ने अभियान की शुरुआत कार में बैठकर ही कर दी। बीजेपी आरोप लगाती है कि जब वे सरकार में मुख्यमंत्री थे तब वातानुकूलित कमरा छोड़कर जनता के बीच नहीं गए। आज किसी के घर क्यों जाएंगे? कांग्रेस का सारा विवाद ही घर के अंदर का है। आज कांग्रेस की जो हालत है वो जनता के कारण नहीं, कांग्रेस के अपने घर के कारण है। राजनीतिक दल जन केंद्रित राजनीति के जरिए सत्ता तक पहुंचता है। सत्ता पाने पर पार्टी को मजबूती मिलती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस पहली राजनीतिक इकाई है जो सत्ता में आने के बाद मजबूत नहीं बल्कि कमजोर होती गई। बड़े नेताओं के बीच मीटिंग में मुलाकात होती होगी लेकिन घर जाने का सिलसिला तो दिखाई नहीं पड़ता। दिग्विजय सिंह तो मुख्यमंत्री रहते हुए विरोधी दल के मुख्यमंत्रियों के घर जाते रहते थे। क्या अब कांग्रेसी नेताओं के बीच भावनात्मक संबंध दिखाई पड़ता है? घर घर चलो अभियान की शुरुआत बड़े नेताओं के घर घर जाने से की जाती तो ज्यादा बेहतर होता। जिन लोगों को पार्टी में किनारे किया गया है उनके पास जाकर उन्हें जोड़ने का फिर से प्रयास होता तो समझ में आता। कांग्रेस क्षेत्रीय नेताओं को बीओटी मॉडल पर पार्टी सौंप देती है। मध्य प्रदेश में आजकल ऐसा ही महसूस हो रहा है। कांग्रेस के मध्य प्रदेश के वर्तमान कप्तान कांग्रेस के चांद तक पहुंचे हुए नेता हैं। उन पर हुक्म चलाना आला कमान के लिए आसान नहीं होता। एक व्यक्ति एक पद की बात करने वाली पार्टी में विधायक दल और संगठन का एक ही कप्तान होना इसी बात का सबूत है। पार्टी के युवा चिराग बुजुर्गों की रोशनी में टिमटिमा रहे हैं। जो नेता और कार्यकर्ता किनारे किए गए थे उनको जोड़ने का प्रयास कौन कर रहा है? जहां तक जनता का सवाल है वो विपक्ष से उनके मुद्दों पर सड़क पर सरकार से लड़ाई की अपेक्षा करती है। जनता के लिए घर घर चलो अभियान खेला का क्या मतलब है? कांग्रेस में बौद्धिक नए ब्लड डालने की जरूरत है। कांग्रेस जनता के मुद्दों से कट गई लगती है। भारी भारी शब्द और डायलॉग सोशल मीडिया पर तो चल सकते हैं लेकिन विपक्ष की राजनीति इससे नहीं चल सकती। कांग्रेस जब तक एकजुट नहीं होगी तब तक न तो कांग्रेस की माला पूरी होगी न ही सत्ता का चाप पूरा होगा। आप देखते रहिए न्यूज पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।